ये श्रेष्ठ ये वेस्ट, अपने श्रेष्ठ वेस्ट का हिसाब लगा लो कि कौन सा श्रेष्ठ कौन सा वेस्ट। हिरण्याक्ष समुद्र में वारा भगवान यज्ञ के अवतार हैं। हिरण्याक्ष के मन में आया स्वर्ग से संपत्ति ले आऊं, वराह भगवान से युद्ध करूं। बार बार वो लेकर आए और भगवान ने अंत में कितने दिन तक उसकी लड़ाई चली और लड़ाई चलने के बाद भगवान ने उसका उसको मार दिया और मारने के बाद रसातल की पृथ्वी वापस मनु महाराज को देखी। लड़ने के अंदर अब लड़ाई का कितना वर्णन करें, काफी दिनों तक लड़ाई चली। पृथ्वी अब वाराह भगवान ने वाराह रूप क्यों लिया, मैं तो आशय बताने जा रही हूं जो संतों से सुना है। वाराह भगवान मतलब शुकर का रूप, शुकर का रूप ही ना, एक दांत ऐसा था। वराह रूप ऐसे है जो कि सारी आपकी पृथ्वी की गंदगी को साफ कर लेता है। दिखता है कि वो गंदगी खाते हैं लेकिन आपकी पृथ्वी की गंदगी को साफ कौन करता है, वराह। अब संतोष वृत्ति ऐसी है जो हमारे अंदर हृदय के कीचड़ पड़े हुए, जितने सालों से जितने जन्मों के कीचड़ पड़े हुए हैं उनको कौन साफ करेगा, वराह भगवान को याद करके। संतोष रूपी वराह भगवान को याद करने से भाग्य के अंदर यह भगवान का वात्सल्यमय रूप है जो हमारे भीतर के पड़े हुए कीचड़ को वो ही साफ कर सकता है। गंदे से गंदे रूप को दो त्याज्य है, उस त्याज्य रूप को वराह भगवान सुअर साफ कर लेता है। एक और सुअर की बहुत अच्छी निशानी है, रसातल में पृथ्वी गई है, रसातल में नीचे की ओर पृथ्वी गई है और नीचे आप सुअर को कभी देखिए, अगर वो उसने आकाश कभी नहीं देखा, आपने कभी देखा होगा तो पता नहीं, वृंदावन में बहुत रहते हैं इसलिए मैंने देखे हैं। उसको अगर आकाश को देखना तो उसको पूरा उल्टा करना पड़ता है, उसकी गर्दन ऊपर नहीं उठती है, पता है आप लोगों को, किसी को कभी देखा सुअर को, उसको ऊपर नहीं देख सकता, देख सकता नहीं, देख सकता वो ऐसे ही रहता है ऐसे, तो नीचे की ओर ही देखता है और नीचे की गंद्याज चीजों को साफ करता है। लेकिन ऊपर अगर देखना हो तो उसे उल्टा करना पड़ता है, तब वो ऊपर देखता है। तभी जितने भक्त कहते हैं बंजो कीट सुकर की नहीं, हर भक्त भगवान से कहता है जैसे विषयों में हम लोग ऐसे पड़े हुए हैं जैसे सुअर नीचे की गंदगी चाटता, वैसे हम विषयों की गंदगी चाटते चाटते कभी ऊपर में, जैसे वो आकाश नहीं देख सकता वैसे हम कभी प्रभु कृपा की ओर हमारी नजर नहीं जाती है, बंजो सुकर की तरह हम लोग रहते हैं। दूसरी एक और बात है, नीचे की ओर कोई चीज गई हुई है तो किसी न किसी सहारे से ऊपर आएगी। ये मन है ना, ये अपना बहुत बिगड़ा हुआ है, मन हमारा कितना भी करे नीचे विषयों की ओर जाता ही है। मन को जैसे ऊपर ये जल है ये भी नीचे की ओर जाता है, जल कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है, जहां पर भी रसातल की ओर जाता है नीचे की ओर जाता है। तो जल को ऊपर लाने के लिए जैसे यंत्र की आवश्यकता होती है तब जल ऊपर चढ़ता है, वैसे ही मन को भी भीतर से नीचे से ऊपर लाने के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ती है जब मन ऊपर आता है। तो हमेशा से मन को ऊपर लाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है, भगवान नाम की आवश्यकता है, तब मन ऊपर आता है। अब हम आज आ रहे हैं आज का मुख्य विषय कपिल गीता। मुझे लगता है हम सब लोग यही सोचते हैं कि कपिलाख्यान बड़ा बोरिंग है, मैं भी ऐसे कहती थी, प्लीज बोरिंग है ना, सांख्य दर्शन है ये है वो, बोरिंग नहीं है क्या कपिलाख्यान, बोरिंग है ना, बोरिंग है। कोई नहीं कह रहा, इतनी भागवतें सुनी बहुत बोरिंग है, लेकिन बोरिंग नहीं है जब इसके अंदर गहराई से डुबकी लगाई तो मुझे सोचा कि इसका नाम कपिल गीता है, कपिलाख्यान ये गीता है। कपिलों कपिल ने कपिल देव जी ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया जो हमने गीता में नहीं पढ़ा हो। कपिल देव जी का जितना जो उपदेश है वो सब के सब गीता में है, वो सब के सब भगवत गीता में हमें पसंद आते हैं, वैसे हैं भक्ति की महिमा बताई है। इसलिए कपिल देव जी की गीता आज मेरी प्रार्थना है हम सब ध्यान से सुने और उसको ग्रहण करें, क्योंकि मुझे अब पहले नहीं अब कपिल गीता मुझे बहुत प्रिय लगने लगी है। वो हमारे जीवन की गीता है, हमारे जीवन की डिक्शनरी है, हमारे जीवन की एनसाइक्लोपीडिया है जो हमारे रोज काम आवे। स्वयंभू मनु की रानी का नाम शत्रुपा था,
मनु महाराज के दो पुत्र थे प्रियवत और उत्तानपाद। उनकी तीन कन्याएं थी आकृति, देवहूति तथा प्रसूति। आकृति की रुचि से देवहूति का करदम से विवाह हुआ। मैत्रेय जी मुझे करदम और देवहूति की वंश की पूरी कथा सुनाइए। पूरी कथा सुनाने के लिए उन्होंने बताया कि देवहूति कैसी थी। करदम ऋषि सारा दिवस तप करते थे। पहले तो करदम नाम से सुन लीजिए और देवहूति नाम का अपन सोच लेते हैं। भागवत में नाम में भी अर्थ भरा हुआ है। मैं तो मेरे को लगता है कि कोई भी चीज भागवत में ऐसा एक शब्द भी नहीं वापरा है, तो संस्कृत इतनी आती नहीं है मेरे को। एक भी चीज ऐसी नहीं जिसके अर्थ में नहीं जाते हैं ये लोग। रिसर्च करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे, तो मैं देखती हूँ एक अर्थ के अंदर घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं। वैसे श्रीमद् भागवत में भी सब घुसने का ही घुसपैठ ही चीज है। देवहूति जैसी नारी होना भी मुश्किल है और करदम जैसे पति होना भी मुश्किल है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत में गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी है कि करदम जी और देवहूति का गृहस्थ धर्म कैसा था, उनकी गृहस्थी कैसी थी। सीधा कपिल देव जी तक नहीं आए, पहले गृहस्थी बताइए। करदम, करदम क्या? दम कर, दम कर, दम मतलब संयम कर। किस पे? इंद्रियों पे संयम करे वो करदम। जिसका इंद्रियों पे संयम हो वो करदम। देवहूति जो देवों की आहुति लगाए, बुला करके बुला सके वो देवहूति। तो जो देवों को बुला सके और जो कर सके वो करदम। अब देवहूति कैसी थी और उनका गृहस्थ कैसा था। राजा मनु ने देवहूति की शादी करदम ऋषि से की। कहां राजा की पत्नी, क्या राजा की बेटी, और कहां करदम ऋषि। ऋषि और जब भी झोपड़ी में रहने वाले, पर पहले ही राजा ये देखते थे कि मेरी बेटी का आगे भविष्य कितना अधिक सुंदर हो। सुंदर मतलब यहां से सुंदर हो। कहां से? पैसे से नहीं, यहां से सुंदर हो। यहां से सुंदर के लिए उन्होंने उनकी शादी करी। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री आगे नहीं बढ़ सकती। यह सबसे पहला गृहस्थ धर्म का नमूना करदम ऋषि को देकर के देवहूति को देकर के। देवहूति ने शब्द भी नहीं लगाया कि मेरी शादी यहाँ कैसे। आजकल की होती तो घर छोड़ छाड़ के आ जाती, पहले तो करती नहीं, कर लेती तो आ जाती। नाविक जैसे अकेला संसार पार नहीं कर सकता, वैसे पति पत्नी दोनों एक समान नहीं हो तो गृहस्थ धर्म अच्छा नहीं चल सकता। स्त्री का हृदय कोमल होता है, स्त्री का हृदय कोमल होता है और पुरुष का हृदय कठोर होता है। लेकिन पुरुष की बुद्धि तीव्र होती है, स्त्री की बुद्धि थोड़ी नरम होती है। एक बहुत सुंदर पूछा कि क्या बात है, देवताओं दायां और बायां मस्तिष्क है। दाएं भाग में भावना का है और बाएं भाग में विचार का है। ये ओशो ने लिखा है, आपके लिए बोल रहा हूं। बाएं भाग ज्यादा उपयोग पुरुष करते हैं और दायां भाग स्त्री करती है, क्योंकि भावना और हृदय का है। जब पुरुष और स्त्री का दोनों का, इनका बायां चलता है क्योंकि उनके उनके दाहिने भाग में स्त्री आती है और पुरुष का बायां चलता है और स्त्री का दाहिना चलता है। वो दोनों खुले होते हैं और दोनों भाग बीच में मिल जाते हैं, वो गृहस्थ धर्म होता है। एक का बायां और एक का दायां मिल जाता है तो बीच में गाड़ी ठीक चलती है। और बायां भाग दाहिना भाग विचार के कारण से पुरुष आगे बढ़ता है विचार को लेकर के, और बायां भाग स्त्री भावनाओं को लेकर गृहस्थ को आगे बढ़ाती है। इस प्रकार गृहस्थ धर्म मिलता है, बायां और दायां। देवहूति ऐसी नारी थी कि नारी की पूर्ण उसमें सारी की सारी गुणों की वृत्तियां मौजूद थी। कपिल गीता ऐसे मैं कहूं तो कपिल देव जी आए उसके पहले मैं
इस भागवत में से पहले ये श्लोक उठाई हूँ, सीधे कपिल देव जी के आख्यान पे नहीं, के पहले मुझे ये पसंद आया इसलिए मैं ये श्लोक उठाई कि पहले कपिल देव को बुलाने के लिए माता पिता में कौन से गुण होने चाहिए जब उनके घर में भगवान आता है। पहले गुण आने चाहिए श्रद्धा मनु, श्रद्धा शत्रुपा और मनु मन। विचार और श्रद्धा जब मिलते हैं तो उनके यहाँ पे देवहूति होती है, और देवहूति फिर कर्दम मतलब संयम कर ले वे इंद्रियां उनके यहाँ भी आई जाती है। गृहस्थ धर्म का सार है कि एक दूसरे पे परम विश्वास करना, झूठ न करना, कपट न करना, परम विश्वास, एक दूसरे के मन के अनुसार चलें, प्रेम करें, एक दूसरे के को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। विश्रम भेणा आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। अब उन दोनों का रहन सहन कैसा था। तेजी आम संतोषयत्। कर्दम जी अपनी छप्पर की कुटिया में रहते, लड़की किसकी, सप्तदीपवति पृथ्वी के सम्राट मनु की। गंदा कभी नहीं रखती अपने आप को, स्नान करती शुद्ध पानी से, और अपनी तपस्या से देवहूति ने संतुष्ट कर दिया कर्दम जी को। कर्दम और देवहूति ये जागृत अवस्था है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति जागृत में होती है, सोप्त में नहीं। अब देवहूति सेवा करती थी कर्दम जी की, दो तपस्या करते थे लेकिन वो घर संभालती थी। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यम पर्यचर प्रीत्या भवानीव भवम प्रभु। अब हम अगर मातृभक्ति अच्छी हो जिसकी, तो जिस जो माता की सेवा करते उसे उसका फल मिलेगा ही। अगर किसी ने अपने माँ की सेवा की है पुत्र ने, तो उसे फल मिलेगा ही। जिस ऐसी माँ की सेवा करने के बाद ही नित्य परिचर्या का उसे अवसर मिलता है। हम लोग ईश्वर बुद्धि से सेवा करते हैं, मन से नहीं सेवा करते हैं। देवहूति अपने पति की सेवा कैसे करती थी। देखिए ऐसा नहीं है मैं खाली पुरुष का नारी का ही बोलती हूँ, मैं या नारियों के लिए भी बोलती हूँ कि नारी को पति की सेवा कैसे करनी चाहिए। इंगित कोविदा शब्द आए, इंगित कोविदा, इंगित कोविदा संस्कृत में इंगित कोविदा, इसका इंग्लिश शब्द है एटिकेट मैनर्स, इसमें इंगित कोविदा संस्कृत में आया। मैं नया नया सब पढ़ी। घर में कोई अतिथि आया तो पति को पत्नी से इशारा कर देना चाहिए कि क्या चाहिए, पत्नी उसी समय जलपान लेकर आ जाए, पति का क्या इशारा है उसी प्रकार वो सेवा कर सकते थे। सेवा करने वाले को सेवा का बल अभिमान नहीं होना चाहिए। देवहूति कर्दम जी के इशारे को समझ जाती थी कि कर्दम जी को क्या चाहिए, उन पर विश्वास करती, पवित्रता का भाव रखती, मधुर वाणी में बोलती। नित्य परिचर्या त्वर प्रीत्या, नित्य सेवा करती। प्रीत्या मतलब प्रेम। हम लोग काम तो करते हैं, बाप रे कहां से आ गए, ला भाई हैं कैसे हैं, आए बहुत अच्छा लगा, लीजिए चाय लीजिए लीजिए, कब जाएं, मेरे तो पिक्चर की टाइम है, आ गया कोई भी टाइम कोई टपक जाता है, हमारे को काम होता है कोई आता है कोई टाइम नहीं देता, चलो उधर से उधर चला देते। उसके बाद थोड़ी देर हुई, अच्छा नहीं जी हम वेट करेंगे वो आपके पति आ जाएं, उसके बाद कहाँ वेट करेंगे, वो तो अभी बहुत देर से आने वाले हैं, आपको कोई काम है तो आप पधारिए। नहीं नहीं हम तो उन्हीं से मिलने आए हैं, हम कैसे जा सकते हैं, अभी तो हम नहीं जा सकते हैं। नौकर से कहेंगे टेलीफोन कर, आजकल तो मोबाइल, प्लीज टेलीफोन हिम दैट यू आर नॉट कमिंग अर्ली। वो अपना उधर से उसको, क्या आप आए हैं घर पर, हाँ देखिए जी आज मुझे आने में देर होगी अपन कल मिलेंगे। बेचारे को क्या मालूम कि ये तो पत्नी देवी का काम है, उठा दिया मोबाइल और उनको कह दिया कि बोल दीजिए कि जल्दी नहीं आएंगे, काम खत्म हो गया। पहले ऐसे मोबाइल नहीं थे, दो जने मोबाइल मोबाइल में बात कर लेते हैं। पर
कार्य करने का अर्थ हम लोग जलपान तो कराती हैं, लेकिन उल्लास से कराना। आए हमारे यहाँ, आज हमारे यहाँ पाहुने आए हैं, हमारे यहाँ अतिथि आए, उनका सत्कार करना है। इस प्रकार से सत्कार करती थी कौन? देवहूति। एक और बहुत जरूरी बात है, वो तो सब में होनी चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए। हमारे स्वामी जी महाराज भी जब करते थे ना प्रवचन, तो स्वामी जी कहते थे सदगृहस्थी के अंदर, पति पत्नी को आप कहे और पत्नी भी पति को आप कहे। आजकल तो खैर नाम से ही पुकारते हैं, आपकी तो बहुत दूर की बात है, तू तकारा तू तकारा, अच्छा तुम्हारा भी नहीं, तू 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 तू, कबड्डी खेलते हैं तू 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 करते, बहुत ही, इससे कभी भी गौरव नहीं दे सकते आप। किसी को गौरव देना चाहिए। और स्वामी जी महाराज की बात कह रही हूँ मैं, अपनी बात नहीं कह रही हूँ। स्वामी जी महाराज बोलता कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम मत लो, जिससे उसका गौरव बढ़ता है, ये आदर बढ़ता है। आप पधारे, ये शब्द में कितना सुंदर है, मुझे तो जोधपुर की भाषा भी बहुत अच्छी लगती है, पधारो सा, बैठो सा, करो सा, आप आया बहुत अच्छो लाग्यो, ये कितनी सासा की भाषा है। और हम क्या, तू आई कब से आई, कितनी देर हुई, अरे कैसा लग रहा है आपको, दोनों भाषा में पता लग गया होगा, तू तो मेरे को कल बोली थी आ जाई, ले बात करने का ढंग कितना सुंदर बताया, कि गौरव हो, बड़प्पन का भाव हो। इसलिए कभी भी मिलो, एकांत में मिलो, प्रेम से मिलो, अनावरण होकर मिलो। जब परस्पर आदर का भाव होगा, आप बैठो, आप विचारो, मेरे तो देखिए आंखों देखिए, एक और घटना, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी को देखा है, क्यों चाचा ठीक बोल रही हूँ ना, आपको बात कर रही हूँ, ठीक बोल रही हूँ ना भाई जी। एक दिन बंबई में उतरे, उस समय मैं मौजूद थी, बंबई में उतरे प्लेन से, और उनकी पत्नी साथ में थी, नीचे उनके लोग खड़े थे भाई जी के साथ में, मैं ये तो नहीं कहती, पर जो भाई जी के शिष्य थे उनसे कहा, तो खड़े रह गए। अब भाई कोई आए अपने से मिलने आए तो अपन तो उनके साथ चल पड़ेंगे, पीछे से आते रहेंगे, लोग लेते आएंगे, लेकिन भाई जी खड़े रहे, आओ सबके सामने पत्नी को लेकर के आगे उतारा और फिर चले। कितना पत्नी के प्रति आदर का भाव रखा। एक बार बापू, ये भी मैंने आंखों से देखी घटना है, बापू फॉरेन जा रहे थे, मैं वहां खड़ी थी, और सब वो खड़े थे, क्या बोलते हैं, प्रेस के रिपोर्टर, और उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। बापू अंदर नहीं जा रहे थे, बाहर खड़े थे। मैंने भी कहा बापू आप अंदर चलिए, नहीं पार्था और उसकी माँ नहीं आई, उन लोगों की गाड़ी नहीं आई, तो सब खड़े थे। बापू हम ले आएंगे, ये बात हुई हुई है भाई जी, ऐसे नहीं बोल रही, वो अंदर ले आएंगे, अंदर ले आएंगे, अंदर ले आएंगे, लेकिन बापू खिले भी नहीं, वहीं खड़े रहे। जब उनकी गाड़ी आई, उनकी पत्नी को उनके बच्चे लेकर के अंदर गए, उसके बाद गए, लोगों ने प्रश्न किया बापू कई लोग ले जाते थे, आप इतना खड़े क्यों रहे। बापू ने कहा इतना अगर पत्नी को आदर घर में दे दिया तो मेरी कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घर में हम किसी को आदर देने लग गए, घर में हम किसी का वेट करने लग गए, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव प्रदर्शित करने लग गए, तो सत्संग में आके हमें नया सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा झुक जाने से काम बन जाता है। कल भी मैंने कहा कि मत्सर कैसे जाता है, थोड़ा सा झुक जाने से काम बनता है। काम बिगाड़ देने की अपेक्षा ये कह दे अच्छा मेरी गलती हो गई, लेकिन एक्सप्लेनेशन देते हुए हम प्रतिक्रिया करते रहते हैं। विनय सद्गुण है, अभिमान दुर्गुण है। करदम जी जब कोई काम करती तो उसकी प्रशंसा के चार बोल बोल देती, ये हाँ बड़ा जरूरी काम है। ये करदम जी की बात कर रही हूँ, भागवत की। करदम जी देवहूति कुछ काम करके लाती तो उसकी प्रशंसा कर देती थी। डोंगरे जी महाराज ने भी एक कथा में कहा था, बोले ससुर बैठा है, बहू आई, खाना परोस के गई, झूला झूलते हुए ससुर को क्या बोलना चाहिए, बहुत ही स्वाद रसोई बनाई है, तुमने बनाई, अरे तुम्हारे पिताजी की तो क्या बात कहनी, तुम्हारे भाई की तो क्या बात कहनी, बोले वो राजी हो जाएगी। प्रशंसा करना झूठी नहीं है, प्रशंसा करना लाजमी है। प्रशंसा करने से, प्रोत्साहन देने से अगर हमारी घर गृहस्थी सुखी होती है तो उसमें करने में नुकसान क्या। पति को पत्नी की प्रशंसा करनी चाहिए, पत्नी को पति के कर्मों की प्रशंसा करनी चाहिए। फिर देखिए भागवत ने कहा, फिर अगर नहीं अगर गृहस्थी बनी तो फिर भागवत जी से पूछिए, प्रशंसा करते मान्य, जो स्वयं अभिमान न करे और मानदा, ठीक है ना।
मैं गलत बोल रही हूँ, आपकी भागवत से बोल रही हूँ। मान्य और मानदा, मान दे पति को और पत्नी, पति मान दे पत्नी को, दूसरे को सम्मान दे वही मान्य होता है। अवानी मान दो मान्य, सम्मान देने में कभी कंजूसी मत करिए। मैंने नहीं कह रही है, मैं सब चीज भागवत देख के, मेरे हाथ में भागवत है, झूठ नहीं बोलती मैं, वैसी नहीं होंगी। कंजूसी ना करें, किसी का तिरस्कार ना करें। कई दफे तो ऐसे होता है कोई को, मैं जानती हूँ ना, किसी से ऐसे मिलने की कोशिश करती हूँ, ऐसे हंसते ऐसे निकल जाते हैं, अरे दो मिनट बतला ही लेते, दो मिनट बात करें, नहीं टाइम नहीं ना, मरने की फुर्सत नहीं, कहाँ से बात करेंगे। बहुत लोग देखती हूँ, बम्बई में एक अयोध्या के बेचारे आए थे कोई पंडित, मेरे से मिले थे, आज से कितने बरस पहले की बात। मैंने कहा पंडित जी क्या क्या बात है, बोले मैं खड़ा हो जाता हूँ मरीन ड्राइव पर, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जिसको देखो आ रहा है जा रहा है, कहाँ जा रहा है जा रहा है, कल बताएंगे कल बताएंगे। बाद में उनको पूछते कहाँ गए थे कहाँ से आए, बोले रोज जहाँ गए थे वही गए, रोज जहाँ से आ रहे थे वहीं से आए, किया क्या कुछ नहीं, आ रहे जा रहे आ रहे। बोले मेरे समझ में नहीं आया कि कोई तो प्रश्न का उत्तर होगा आने जाने में, बोले कुछ नहीं वही रोज का भोजन खाते हैं और ऐसे ही यहाँ पे ट्रेनों में आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, फुर्सत नहीं, ऐसे नहीं, समय निकालें, किसी से बात करें, कंजूसी ना करें, सम्मान देने में कंजूसी ना करें। व्यवहार में अगर ये तीन बातों की सावधानी, ये तीन बातें सावधानी है, भागवत बोल रही है और ये चारों बातें मैंने लिखी है अखंडानंद जी महाराज की भागवत से। उन्होंने कहा चार बातें कर ले और फिर आपका अगर गृहस्थ अच्छा ना हो तो मेरे से मिलिए। ऐसा कोई कहेगा, डॉक्टर कहता ना ये दवाई लो और दवाई अगर आपके काम नहीं आए तो मेरे से वापिस मिलिए, तो अखंडानंद जी डॉक्टर हैं कि नहीं? उन्होंने लिखा है कि स्वयं अभिना न करे, दूसरे को सम्मान दे और किसी का तिरस्कार न करे, तीन काम करे रोज, तीन काम करके, कोई की प्रशंसा करो, किसी को अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन दो और उसको सम्मान दो, उसका तिरस्कार मत करो। दोष निकालने से हमारे में दोष जाते हैं, कर्तव्य अपना, शरणानंद जी महाराज ने इसमें लिखा हुआ है वृंदावन के, कर्तव्य अपना देखें अधिकार दूसरों को दे, पत्नी अपना कर्तव्य देखे अधिकार पति को दे, पति अपना कर्तव्य देखे पत्नी को अधिकार दे, उस घर में लड़ाई पति पत्नी की हो ही नहीं सकती। होता क्या, जब खींचा तानी वो नहीं होती कि एक रस्सी से पकड़ के इधर से खींचते हैं उधर से खींचते हैं, क्या गेम बोलते हैं उसको, टफ वॉर, इधर से सब लोग खड़े होकर के खींचते हैं उधर से सब लोग खड़े होकर खींचते हैं। वो संत, एक संत ने कहा, बोले एकदम मनुष्य की लड़ाई है, मेरे को मिल जाए, सब पकड़ के इधर खींचते हैं सब पकड़ के उधर खींचते हैं, दो सारी तरफ अपनी अपनी ओर खींचते हैं तो लड़ाई होगी, और जो एक जना छूटा छोड़ दे तो कभी लड़ाई नहीं होगी। घोड़ा घोड़े पे राम जी भरत जी और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी घोड़े का खेल खेल रहे थे, खेलते खेलते भरत जी की तरफ की पार्टी ने कहा आप क्या कर रहे हो, राम जी का घोड़ा आगे जा रहा है। राम जी के घोड़े बोले आप धीरे क्यों चला रहे हो, भरत जी का घोड़ा आगे चला रहा है। राम जी और भरत जी ने कहा अरे तुम क्या कह रहे हो, मैं देख रहा हूं कि वो जीत जाए। राम जी ने कहा मैं देख रहा हूं कि उसका घोड़ा आगे चला जाए। दोनों जन धीरे धीरे चला रहे हैं, हम लोग दोनों जन फास्ट फास्ट चलाते हैं। उन्होंने कहा अरे वाह वाह क्या बात है, भरत जी का घोड़ा आगे चला जाए। ऐसा भाई भाई का लड़ाई, आज भाई भाई को तो तिरस्कार हो गया, मुझे नहीं पूछा, ले तू दो कदम चला तो मैं चार, तू चार गाली देवे तो मैं आठ गालियों की बौछारों के लिए द्वेष करने में इतना आगे कि पूछे मत। किसी ने अच्छी बात भी कही उसको बुरा मान लेना और करना, ये सबसे बात करने की। देवहूति जी को करदम जी ने बताया कि तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या मेरे को दे सकते हो, मैं तुम्हें क्या दूं? उन्होंने कहा कुछ नहीं, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए, मेरे को पुत्र मिल गया तो कम से कम मैं, अब आपने इसीलिए गृहस्थ धर्म मांगा था कि पुत्र मिल जाए, तो करदम जी ने कहा कि जरूर तुम्हें पुत्र आएगा और तुम इतने अच्छे से सेवा करियो कि तुमको पुत्र कौन मिलेगा, भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। देवहूति के पुत्रियां हुई पहले
नौ, नौ कर्दम जी के नौ पुत्रियां हुई, नौ पुत्रियां नौ ऋषियों को दिली गई। पर ये पुत्रियों कौन थी? ये पुत्रियां नवदा भक्ति, नौ भक्ति के रूप में नौ पुत्रियां पैदा हुई। वो नौ ऋषियों को चली गई, भक्ति अपने आप ज्ञान के पास चली गई। और उसके बाद जब नवदा भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति पूर्ण हो जाती है, तब कौन प्रकट होंगे? कपिल देव महाराज, तब भगवान प्रकट होंगे भक्ति प्रकट होने के लिए। देखो भक्ति की शिक्षा तब मिलेगी, ये सारी शिक्षाएं कपिल देव जी स्वयं कहेंगे। अच्छे गृहस्थ के घर आत्मा रूप में स्वयं परमात्मा प्रकट होते हैं। देवहूति ने कहा, देवहूति को कर्दम जी ने कहा कि तुमने मेरी सेवा की है, मेरी भजन किया है, मेरी जो तुम्हारे जो जीवन की ग्रंथि है उसको तोड़ने के लिए स्वयं भगवान पधारेंगे। देखिए कपिल देव जी बैठे हैं, माता देवहूति उनसे मांग रही है। अच्छे गृहस्थ पति पत्नी से अच्छी आत्मा प्रकट होती है। तन्त्वा गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम्। अच्छे गृहस्थ के घर अच्छी आत्मा प्रकट होती है। जब कर्दम जी ने आशीर्वाद दिया, नौ महीने के बाद उनके घर में कौन प्रकट हुए? बोलो कपिल देव महाराज की जय। माता देवहूति के सामने कपिल देव जी बड़े होने लगे। माता देवहूति जी, कर्दम जी ने कहा कि अब मुझे इतना कोई विशेष काम नहीं है। तो कर्दम जी ने क्या कहा? कर्दम जी ने कहा मैं तपस्या करने जाता हूं, अब तुमको तुम्हारा उद्धार करना है तो कपिल देव से कर लेना। तो कपिल देव से जब उन्होंने अपना उद्धार के लिए कहा, तो एक दिन एकदा मतलब एक दिन माता देवहूति बैठी किसके पास? एक दिन माता देवहूति बैठी कपिल देव जी के पास हाथ जोड़ के, शरण शरण में शरण तिहारी, शरण शरण में शरण तिहारी, शरणागत होकर के। किसी के पास कुछ ज्ञान लेने जाओ तो शरणागत हो जाओ। शरणागत होने से देखिए, अर्जुन को भी ज्ञान लेना था तो क्या ज्ञान था? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादि माम त्वां प्रपन्नम। यहाँ पर भी देवहूति एक दिन कपिल देव जी के सामने बैठ गई और उनके शरणागत होकर के बोली, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे।
पार्वती जी और उन्होंने कपिल देव जी से पूछा कि जग में सच्चा सुख कहाँ है, जग में सच्चा आनंद कहाँ है। देखिए ये प्रश्न कोई ऐसे नहीं, कल आपने कोई प्रश्न लिख करके दिए नहीं, इसलिए मैंने ही कुछ प्रश्न बना करके अंत में थोड़ा सा उसका उत्तर दे देंगे और गुरु जी से भी कुछ प्रश्न पूछ लेंगे तो उसका उत्तर दे देंगे। जग में सच्चा सुख कहाँ है, जग में सच्चा आनंद कहाँ है, नित्य आनंद कहाँ है, जिसका नाश ना हो सके वो आनंद कहाँ है। हे कपिल देव, हे अनंत, हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। मैं इंद्रियों को तृप्त करते करते थक गई हूं। अब में से कोई थका है? नहीं थका। तृष्णा रोग लगा हुआ है, इनकी मांग पूरी करते करते, इनकी तृष्णा मिटाते मिटाते ऊब गई हूं। असंद्रियांत या तृष्णांत, ये बड़ी दुष्ट है। इंद्रियों को दुष्ट क्यों बताया गया? क्योंकि इनका पेट ही भरता नहीं। एक दफे कोई राजा ने कहा कि मेरे एक खोपड़ी ऐसी है, सब खोपड़ियां भर जाती है, एक खोपड़ी लाओ कभी नहीं भरती। सबने ट्राई किया उस खोपड़ी को, जितनी दे स्वाहा, जितना कुछ उसमें दे स्वाहा, जितना कुछ उसमें दे स्वाहा। तब जाके एक बहुत ज्ञानी ध्यानी आया, बोले राजा तूने ये खोपड़ी ठीक की चुनी है। बोले तूने मनुष्य की खोपड़ी ले ली, मनुष्य की खोपड़ी को जितना कुछ दे स्वाहा, जीते जागते तक कभी भी ऐसे नहीं बोलता खत्म, अब नहीं। इसलिए डोंगरे जी महाराज ने कभी भी रुपयों को और किसी चीज में नहीं लगाया, उन्होंने हमेशा अन्न क्षेत्र में लगाया। उनको पूछा क्यों? बोले एक अन्न देवता ऐसे हैं जिसको भी खिलाओ वो एक बार बोलते हैं बस। एक अन्न क्षेत्र में ऐसा होता है कि अन्न खाते लोग कहते हैं बस 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 अब नहीं चाहिए। बाकी और कोई चीज आपको याद हो तो बताइए किस में आप कहते हैं बस? कोई है और अन्न को छोड़ के? जो भी कुछ दे दो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो बोले हे इंद्रियां, कपिल देव जी कहते हैं ये इंद्रियां दुष्ट है, इसकी मिटती नहीं। बोले माता ये जो तृष्णा का रोग है ना, खुजली जैसा है। किसके जैसा है? खुजली का रोग है। किसी को खुजली का रोग हो तो उससे पूछिए, बड़ा मजा आएगा, वो खुजली करता ही रहेगा। अरे भाई खुजली मत कर, नहीं आती है खुजली, जितनी खुजली करोगे उतनी खुजली का रोग बढ़ेगा, और खुजली नहीं करो। बोले ये तृष्णा रोग खुजली जैसा है। बोले जितनी खुजली करोगे उतना रोग बढ़ता ही चले जाएगा। माता तुम्हारे नाखून के जहर के कारण से ये खुजली और बढ़ने वाली है। जगत के जितना जगत की चीजें उसमें आनंद नहीं है, उसका भास मात्र है। यह जगत दुख रूप से है। अनित्यम असुखम लोकम इमम भजस्वमाम। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वो आरंभ में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे 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 जय श्री राधे हो जाता है। अच्छे से पिक्चर शुरू होती है, बड़े तैयार होके जाते हैं, कितनी बजे खत्म होगी? लो भाई बड़े तो सुख से तुम ही आए पिक्चर की टिकटें खरीद के। आधा इंटरवल होता नहीं है कि पिक्चर के घड़ी खत्म हो गई। किधर भी जाओ उधर से समय में शुरू करते हैं, वहां से तेज लगता है अंत में। हे माता यह इंद्रियों विषय जन्य सुख आरंभ में बहुत उत्साह से लगता है, बाद में ये सब दुख देने लगता है। आरंभ में अमृत जैसा लगता है। विवेक रूपी धन का हरण करके इंद्रियां जीव को संसार रूपी गर्त में डाल देती हैं। बाहर के विषयों में न तो आनंद है न सुख, आनंद बाहर नहीं भीतर है। माता दो शरीर के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, दो प्राणों के एक होने से सुख मिलता है, लेकिन मनुष्य इतना गाफल होके असावधान होके फिरता है कि वह प्राणों की वैल्यू समझ नहीं रहा है। सभी लोग ऊपर से तो कहते हैं जब तक शिव है तब तक ठीक है, प्राण यहां से निकले कि शव है, लेकिन रियल में शव किसी को लगता है? नहीं लगता है। मन के माफक चलता है, हमारा मन राजा। ये मन बड़ा पापी है। देवती ने कहा कि ये विवेक मुझे कहां से प्राप्त होगा, जिस विवेक से मुझे ध्यान रहे मुझे धन्य है। विवेक मुझे अमृत तत्व अगर विवेक से मिलेगा तो मुझे ये तृष्णा रोग बढ़ाने के लिए यहां की चीज देख के मुझे क्या करोगे? मुझे परमात्मा नहीं मिलता, वो चीज मुझे नहीं चाहिए, जिससे मोक्ष नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता, भक्ति नहीं मिलती, उसको लेके मैं क्या करूंगी?
है अपने में से कोई इतनी हिम्मत कह दे कि इसको लेके मैं क्या करूंगी, प्लीज हाथ उठाए। यह है माता देवहूति कि मुझे जिस सुख से अगर परमानेंट सुख नहीं मिलता, अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती, अमरता नहीं प्राप्त होती, सुख लेके मैं करूंगी क्या, इतना बोध किसी को नहीं होता। अरे नारियां तो होती है तो कोई देवहूति जैसी हो जिसने ऐसी सेवा करी और ऐसा ज्ञान प्राप्त किया। कैसी कल द्रौपदी, उत्तरा, सुभद्रा, उनकी द्रौपदी, अरे हमारी गार्गी, शांडिली, लोप मुद्रा, और कितनी नारियां जो उन्होंने ललकार ललकार करके शिव जी को कह दिया और ललकार ललकार करके ऋषियों से कह दिया कि कोई नारी खाली घर में बैठने के लिए नहीं है, वो भी नारी भी इतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो सकती है। गृहस्थ की नारी, कपिल देव की माता देवहूति आज ये कह रही है कि मुझे ये सुख नहीं चाहिए। नौ उनकी पुत्रियां थी, फिर भी उन्होंने कहा केवल श्रृंगार करने के लिए मुझे मत रखो। महाभारत में सुलभा भी इतनी विलक्षण युवती हुई, ब्रह्मवादिनी थी। स्त्री शरीर से कभी निराश नहीं होना, स्त्री के पास परमात्मा ने बहुत गुण दिए हैं, बहुत, जिन्हों की हमने प्रकट नहीं कर पाए। मेधा देखो ना, मेधा, मेधा मतलब प्रतिभा। आप सच्ची बताओ, जितने जेंट्स उनको सेक्रेटरी लुगाई चाहिए, क्यों भाई, चांस क्यों नहीं? कितनी परफेक्ट स्त्री करती है उतना पुरुष नहीं कर पाता। नर्स, नर्सिंग हमेशा स्त्री, मोटियार क्यों नहीं? जितनी परफेक्ट नर्सिंग और केयरिंग लेडी करेगी उतना पुरुष नहीं कर सकेगा। टीचर, माता शुरू से ही टीचर होती है, मातृदेव भवति, जो माता शिक्षा दे सकती है बच्चों को वो पुरुष नहीं दे सकता। ये सारे गुण स्त्रियों में हैं, लेकिन स्त्रियां आजकल उन गुणों को काम में लाती नहीं है। मैंने बताया ना, खाली बाएं भाग में रह जाती, दाएं भाग में रह जाती हैं। अथमे देव सम्मोह है मया कृष्टुम तमरहसी यो वग्रहो हम ममेति ते तस्मिन् योजित स्वया। हे प्रभु, मेरा मोह खींच लो। अब मोह में खुद देवती कह रही है कि मेरा मोह खींच लो, मतलब उन्हें ज्ञान हो गया कि मैं तकलीफ किससे पा रही हूं, मैं और मेरा। हम लोग सबसे किससे तकलीफ पा रहे हैं, मैं और मेरा। सच्ची बहुत कष्ट देते हैं मैं और मेरा, ये दो, अभिमान और ममता। आगे दो डोरी में और आएगा, अहम और मम। लेकिन निकालना तो हम चाहते हैं, लेकिन मैं मेरा समझना ही अज्ञान है। देवहूति ने जरूर कहा कि मैं और मेरा कैसे छूटे, लेकिन हम छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर कोई जना एक कह दे प्लीज, मैं हाथ उठाती हूँ, मैं और मेरा छोड़ना चाहते हैं। कोई है हाथ उठाने की, मैं और मेरा एक हाथ उठा भाई कि मैं और मेरा छोड़ना चाहते हैं। छोड़ना चाहते हैं, पहले इच्छा तो दिखाएं कि छोड़ना चाहते हैं। सच्ची बोलती हूँ, छोड़ने की इच्छा जाहिर करते ही ठाकुर आगे बढ़ जाएगा। आप सत्संग करने की आज्ञा देते हैं, बोले किससे छूटेगा, अगेन सत्संग से। जहां देखो वहां सत्संग। कपिल भगवान ने कहा माता संत को ढूंढने तुम कहां जाओगी, अब घर के में रहने वाली लेडी कहां जाए संत को ढूंढने। तो बोले तुम खुद ही संत बन जाओ। देवहूति को कहा कि तुम खुद संत बन जाओ, बिना सत्संग तुम सुख नहीं उठा सकोगी, तो अच्छे अच्छे ज्ञान और बोध के चैप्टर पढ़ो। स्वयं संत नहीं बने तब तक सच्चा संत नहीं बन सकता। संत बनने के लिए पहला लक्षण उन्होंने बताया। राधे राधे करती हूँ, धीरे धीरे बोलती हूँ क्योंकि अपने में भी नहीं है। पहला लक्षण तितिक्षा, सहन शक्ति। और आजकल डे बाय डे सहन शक्ति कमजोर होती जा रही है नारियों की। सहन शक्ति, जो सहन कर सकता है, गुरुजी सहन कर सकता है वो संत बन जाता है, मेरे में इतनी है नहीं। जो सहन कर ले, गुरुजी से एक बार मैंने पूछा कितने दिन तक सहन करें, कितने दिन तक सहन करें। उन्होंने एक बार कहा जितने दिन तक सहन शक्ति तुमको सहन शक्त न बना दे तब तक सहन करो। जैसे पानी, पत्थर का पानी बनने के लिए आपने कहा कि पत्थर का पानी ना बने तब तक सहन करते जाओ, लेकिन कल मैंने कहा था कि सहन शक्ति इतनी ना करो कि सामने वाला बुरा बन जाए। अतिशय विपत्ति में भी जो ईश्वर का अनुग्रह समझे वो सहन शक्ति।
संत के लक्षण का पहला तितिक्षा बताया, दूसरा बताया करुणा। माँ तुम तो नारी हो, तुम्हें तो सहज स्वभाव में करुणा होनी चाहिए, करुणामयी हो। हमारी श्री राधे रानी को हम कहते करुणामयी, कृपामयी, स्वयं करुणामयी है। और तीसरा सुहृद भावना, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना, ये नारी शक्ति के लिए बताया जा रहा है। ये तीन भावना हम में होनी चाहिए। शांत सरल स्वभाव, अजात शत्रु आदि संतों के लक्षण हैं। ये सब आएंगे कैसे? लक्षण तो सुन लिए, आएंगे कैसे? किसी की इच्छा है सब लक्षण लाएं, तो सबसे पहला लक्षण ये है कि आज से चेष्टा करें कि कोई कुछ कहे तो उसकी प्रतिक्रिया ना करें। वहां से सहन शक्ति शुरू होगी। प्रतिक्रिया ना करें, सामने वाले को तो आजकल बोलने ही नहीं देते, पूरा बोले उसके पहले तो हम अर्थ नहीं समझते, उसके पहले तो पलट के पलट के पलट के, पलटू नाम है। भगवान के चित्त में रमण करें, भगवान में अपना चित्त रमण करें, भगवान की चीज याद करें। एक तो एक दफे मेरे यहाँ ऋषिकेश में एक लेडी आई थी, बोले महाराज जी क्रोध बहुत आवे, क्रोध किया कम करा। तो बोले यहाँ करो पानी को गिलास से घूंट ले, बिटेम पर वहां से कहाँ का पानी का गिलास लाए। तो बोले एक दो चार, एक दो तीन चार पाँच छः उल्टी गिनती शुरू कर दो, कई संत ऐसे बताते हैं। उस लेडी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले मैं करती हूँ एक दो तीन चार, पर मन में आता पहले क्रोध से सुना दू फिर एक दो तीन चार कर दे। एक दो तीन चार तो बोलूंगी लेकिन पहले सुना दू उसके बाद एक दो तीन चार करूंगी। ऐसा होता है क्योंकि वो जब सुनाने की मन में आती ना उस समय तो ऊपर नीचे हो जाते कि एक बार सुनाकर ही दम लेवा। वो सुनाना अगर उस आवेश को उस क्षण के लिए रोक दें तो बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा मैं बोल रही हूँ तो ऐसा मत सोचना कि मैं हूँ वैसी है, मैं भी आप जैसी हूँ। शांति की परीक्षा प्रतिकूलता में होती है और प्रतिकूलता वैराग्य की जननी है। क्या है? जब प्रतिकूलता अधिक आती है ना अपने आप वैराग्य आने लगता है। ज्ञान और भक्ति तो फिर भी आ जाता है गृहस्थ में रहते हुए, लेकिन वैराग्य जल्दी नहीं आता और वैराग्य की जननी है प्रतिकूलता। भगवान कहते हैं जब किसी को मैं अपनी तरफ बुलाना चाहता हूँ तो उसका धन हरता हूँ, उसका मन हरता हूँ, उसका जन हरता हूँ, सब हरता हूँ, उसको प्रतिकूलता देता हूँ कि जिससे कि उसका उसका केवल मैं ही मैं रह जाऊँ। इतनी प्रतिकूलता की जननी है, प्रतिकूलता जननी है वैराग्य की। हे माता तीव्र भक्ति किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तीव्र भक्ति का अर्थ है ईश्वर से बिल्कुल विभक्त न होना। लेकिन ईश्वर से विभुक्त न हो ऐसा मैं नहीं कह सकती क्योंकि अपने लोगों को ईश्वर संसार खूब खींचता है। माता जिसको ध्यान उसका करना हो, न विभक्त होना हो, तो पवित्र भोजन परिमित रूप में करे। ने तो या ध्यान कर बार बैठा जड़ा यार मुकबासिया वाला आ गया। कई लोग आते हैं कि मन हुआ भाई जिम कर बैठा ना तो मन बिल्कुल लागा नहीं, तो कुर्सी भी लेवे ना माकटस आकर देखे कि कौन सी कुर्सी बहुत आरामदायक है, पहली बार कुर्सी ले लियो, फिर बार कुर्सी लेकर एकदम यहाँ यहाँ गर्दन हिला कि सब सुन रही है, थोड़ी देर के अंदर निद्रा देवी के आगोश में चले जाते हैं। माता जिसे ध्यान करना हो तो भोजन परिमित मात्रा में करे और जहाँ बहुत आराम मिलता हो वहाँ पर न बैठे, सुखासन में बैठे, आहार सात्विक और अल्प हो। कपिल भगवान ने माता को ध्यान करने की भी आज्ञा दी, बार बार मन को एक स्वरूप में स्थिर करो। उपासक के उपास्य की शक्ति आरोपित होती है। आप जिस भगवान का ध्यान करोगे उस प्रकार की अंदर भावनाएं अपने अंदर आने लगेगी, आरोपित होने लगेंगी। इतना सब कहने के बाद भी और मोह पीछा नहीं छोड़ता, भक्ति है कपिल देव जी से वापस भगवान देवहूति ने पूछा, न युज्यमानया भक्तया भगवत्तखिलात्मनि
सदृश्योस्ति शिव पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये प्रसंगमंजरं पाशयमात्मनं कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वार पावृतम्। अपने भक्ति को सातवें आसमान से नहीं लानी है, अपने भीतर से ही लानी है। जितनी जितनी सहन शक्ति, जितना जितना ये सब कार्य करने लगेंगे, साधन भक्ति जितनी बढ़ने लगेगी, प्रेमा भक्ति अपने आप आएगी। हमें कुछ दूर अपने आप चलना है, उसके बाद भगवान अपने को हाथ पकड़ के ले जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि जो इतनी दूर लाया है वो आगे नहीं ले जाएगा, इतना विश्वास कम है। इतनी दूर हम आए हैं, भगवान के प्रति जो भक्ति की जाती है उस भक्ति के समान भगवत प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं। सांख्य योग का भगवान कपिल देव जी ने उन्हें ज्ञान दिया, लेकिन अनित्यम असुखम लोगम इमं प्राप्य भजस्व माम। बाहर के विषयों में माता जी आनंद नहीं है, ये आनंद केवल परमात्मा के स्वरूप में है। भक्ति याने भक्त, भक्त याने जुड़ना, और अभक्त याने टूटना। विभक्त का एक पहला अर्थ है भक्त। भगवान से जुड़े रहो भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। हरि से लगे रहो भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। हरि से जितना आदमी, सत्संग ही इसका दरिया है, एक माध्यम सत्संग है। जितना जितना सत्संग से बोध होता रहेगा, उतना उतना भक्ति अपने भीतर, इधर से सत्संग से, इधर से कुसंग छुटा और उधर से भगवान से जुड़ा, तब भक्ति बढ़ती जाएगी। सत्संग का दरिया बहता रहे, बहा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो जिसका जी चाहे। बहा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। हजारों रत्न है इसमें, एक से एक बढ़ आला। हजारों रत्न है इसमें, एक से एक बढ़ आला। किसी का डर नहीं कुछ भी, उठा लो जिसका जी चाहे। किसी का डर नहीं कुछ भी, उठा लो जिसका जी चाहे। सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जिसको नहाना वो नहाएगा ना, हम तो दरिया के बाहर खड़े होके देखेंगे। जी चाहे,
जी जा रे करो हिम्मत जरा टुकड़ी लगा लो जिसी का जी जा रे वहाँ सत्संग का दरिया नहा लो जिसी का जी जा रे वहाँ सत्संग का दरिया नहा लो जिसी का जी जा रे मन की बनावे चोर से साधु मिटावे दुष्टता मन की बनावे चोर से साधु मिटावे दुष्टता मन की बनावे चोर से साधु मिटावे दुष्टता मन की कटे जड़ मूल पापों का कटे जड़ मूल पापों का कटा लो जिस गजी जाए कटे जड़ मूल पापों का कटा लो जिस गजी जाए बहा संग संग का दरिया बहा लो जिस गजी जाए बहा संग संग का दरिया बहा लो जिस गजी जाए करो हिम्मत सदा डुबकी लगा लो जिस गजी जाए करो हिम्मत सदा डुबकी लगा लो जिस गजी जाए बहा सत्संग का दरिया नहा लो जिस गजी जाए बहा सत्संग का दरिया नहा लो जिस गजी जाए नहा लो जिस गजी जाए के जब ये भजन गाने लगता है ना तो मेरे को जोश आ जाता है, जोश ऐसे आ जाता है कि सत्संग के बहुत सारे पद स्वामी जी महाराज गवाया करते थे तो बहुत सब अंदर से उभरने लगते हैं, फिर मेरे को आधे भागवत दिख जाती है, मेरा लगता तो मैं दो चार और भजन ही गा देती यहाँ पे आनंद से मजा करती, लेकिन क्या करूँ आगे दिख रहा है घड़ी इधर बगरी इधर, ये इधर से खींचता है वो भजन उधर से खींचता है, सत्संग का दरिया गाया ना तो मेरे मन में आया खुलती है आदमी की किस्मत कभी कभी हो जाए एकदम, चलो वो थोड़ा फास्ट ले लेंगे, खुलती है आदमी की किस्मत कभी कभी, खुलती है आदमी की किस्मत कभी कभी, अब प्रेमियों की मिलती है संगत कभी कभी, प्रभु प्रेमियों की मिलती है संगत कभी कभी, जीवन में यूं तो सबके चढ़ते हैं रंग कई, जीवन में यूं तो सबके चढ़ते हैं रंग कई, रंग बहुत चढ़ते हैं, रंगती है आदमी रंगती है प्रभु के रंग में तबीयत कभी कभी, रंगती है प्रभु के रंग में तबीयत कभी कभी, खुलती है आदमी की आज अपनी किस्मत खुली हुई है प्रभु के रंग में, वैसे तो धन और माल की किसको यहाँ कमी, मिलती है प्रभु के नाम की, मिलती प्रभु के नाम की दौलत कभी कभी, ओ मिलती प्रभु के नाम की दौलत
कभी कभी आदमी की किस्मत कभी कभी प्रभु प्रेमियों की मिलती है संगत कभी कभी प्रभु प्रेमियों की मिलती है संगत कभी कभी जग झंझटों से मिलती है फुर्सत कभी कभी जग झंझटों से मिलती है फुर्सत कभी कभी जग झंझटों से मिलती है फुर्सत कभी कभी खुलती है आदमी किस्मत कभी कभी खुलती है आदमी कभी कभी खुलती है आदमी की मेरे तो किस्मत चमक गई प्रभु प्रेमियों की मिलती है संगत कभी कभी प्रभु प्रेमियों की मिलती है संगत कभी कभी खुलती है आदमी संगत कभी कभी कुछ कही तेरे ही भाव में कहे दासी कुछ कही क्या होती है सांवरे की नायत कभी कभी होती है सांवरे की नायत कभी कभी होती है सांवरे नायत कभी कभी होती है सांवरे की नायत कभी कभी खुलती कभी कभी खुलती है आदमी की किस्मत कभी कभी खुलती है आदमी की किस्मत कभी 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 प्रेमियों की मिलती है संगत कभी 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 संगत कभी कभी मन आ गया आप सब प्रभु प्रेमियों को देख करके देखिए किसी न किसी संगतियों सत्संगियों को देख करके मन में थोड़ा उत्साह भी आ जाता है इसलिए ये बीच में ये कपिलाख्यान अभी आगे बहुत आख्यान बढ़ना है जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब बढ़ता है जल के हलचल के कारण वह प्रतिबिंब भी हलचल करता है कंपित होता है किंतु वास्तविक चंद्रमा पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता इसी तरह देहादि के धर्म स्वयं न होते हुए भी जीवात्मा में हमें कल्पित दिखाई पड़ते हैं ये सांख्य के दर्शन हम अकर्ता हैं करता कोई और है हमें दिखता है कि हम कर रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं देखिए रोज पता लगता है भूख हमें कोई और लगाता है भूख पे हम खाना हम खाते हैं पचाता कोई और है मलमूत्र कोई और है सीरियल में देखो तो हमारा जीवन केवल मलमूत्र की मशीन हम लोगों को कोई ये सब पता नहीं लगता हृदय में श्रद्धा जब आती है तो भगवान के प्रति रति होती है फिर भक्ति आती है सबसे बड़ी बात क्या है अब इसने कहा देवहूति ने लास्ट बात कही कि हे बेटे पुत्र मुझे ये बताओ देखो शब्द बड़े अच्छे लगे बीच में एक बात आ गई बेटे